बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 20 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाजत, मुसन्निफ मुहियुद्दीन नवाब, आवाज नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं 03002919600 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 20। उसने फोन के जरिए डॉक्टर हंटर से रابطہ कायम करने के बाद पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो जा रही है? मैं नहीं जानता। क्या वाकई? हाँ, अभी उसने फोन पर बताया है, इस अंदाज में जैसे चैलेंज कर रही हो कि उसे रोक सकता हूँ तो रोक लूं। तुम उसे रोक नहीं सकोगे। मैं कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। तुम तस्लीम करते हो। तुम आज तक समीना से खाई हुई शिकस्त को भूल नहीं पाए। यही वजह है कि मोना के साथ उलझ रहे हो और इस हाल को पहुंच गए हो। प्लीज, अगर तुम उसे किसी तरह रोक सकते हो तो मैं तुम्हारी दोस्ती को सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा। सफर नंबर 218। मुराद, जो डॉक्टर तुम्हारे इलाज कर रहा है वो कहता है तुम्हारी हालत बड़ी तश्वीशनाक है। तुम्हारा दिल इस कदर कमजोर हो गया है कि किसी वक्त भी धड़कना बंद कर सकता है। मैं जानता हूँ शिकस्त और एहसास महरूमी ने तुम्हें गुस्से और झुंझलाहट में मुब्तला करते करते जुनून के इस मरहले पर पहुँचा दिया है जहाँ इंसान दिमागी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। वो नागवारी से बोला, तुम उसे रोक नहीं सकोगे। ख्वामखा मुझे नसीहतें करते रहोगे। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मुलाजिम उसके लिए ट्रे में सूप ले आया था। उसे एक छोटी सी मेज पर रख कर जा रहा था। वो मुलाजिम को बड़े गौर से देख रहा था। उसका नाम रशीद था मगर शीदे कहलाता था। पंजाब से 7 बरस पहले आया था। 2 बरस पहले यहाँ काम करने के बाद अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद पाकिस्तान गया था। वहाँ अपनी बरादरी की एक लड़की से शादी की थी। शादी के बाद जब से आया था 5 बरस हो गए थे। घर वापस नहीं जा सका था। एक तो घर वालों के खर्च के अलावा बीवी के भी जाती अखराजात के लिए कुछ ना कुछ भेजता था। फिर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 5 बरस पहले वो 1,000 रुपये भेजता था। 2 बरस बाद 1,500 रुपये भेजने लगा। अब 5 बरस हो गए थे। माहाना 2,500 रुपये भेजने के बावजूद वहाँ के अखराजात पूरे नहीं होते थे। यही वजह थी कि शीदे यहाँ जो कुछ कमाता था अपने लिए बचाकर नहीं रख सकता था। यानी इतनी रकम नहीं बचती थी कि वो यहाँ से पाकिस्तान जाता। वो सोचते सोचते चौंक गया। शीदे उससे पूछ रहा था, जनाब आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार तुमने कहा था कि 5 बरस से अपनी बीवी के पास नहीं गए, तुम्हारे पास रकम नहीं बचती है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब तो 7 बरस हो गए हैं। यानी 7 बरस गुजर गए और तुम एक बार भी अपनी बीवी से नहीं मिल सके। साहब मजबूरी है, अब तो यूं लगता है जैसे इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी और वो एक बच्ची की परवरिश करते हुए मेरे नाम पर बैठी रहेगी। एक बार मैंने झुंझला कर खत में लिख दिया था, मैं नहीं आ सकता, अगर वो चाहे तो मुझसे निजात हासिल कर ले, वहां किसी शरीफ आदमी से शादी कर ले। इस बात पर वो नाराज हो गई है, बहुत नाराज हो गई थी। बहुत गुस्से में खत लिखा। वो गुस्सा दिखाने में हक बजानिब है। जब औरत अपने नाम बैठी हो
और हमारे इंतजार में जवानी के सावन भादों गुजार रही हो तो उसके गुस्से पर भी फखर महसूस होता है। तुम चाहो तो अपनी बीवी से मिल सकते हो, तुम्हारे आने जाने के जो भी अखराजात होंगे वो मैं पूरे करूंगा। शीदे ने उसे हैरानी और बेयकीनी से देखने लगा। मुराद ने पूछा, क्या यकीन नहीं आ रहा है? आ रहा है मालिक, आप पर यकीन नहीं आएगा तो किस पर आएगा? लेकिन बड़े अखराजात हैं। मैंने कहा ना, मैं पूरे करूंगा। उसके अवज तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आप हुक्म कीजिए, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बरस गुजर गए, आप मेरी बीवी से, मेरी बच्ची से, मेरे वालदैन से मिलाने का जरिया बन रहे हैं। एक बार मुझे मेरी बीवी से मिलकर आने दीजिए, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। अगर मैं कहूं तुम्हारी जान की नहीं, मेरी जान लेने की बात है, क्या तुम मुझे कत्ल करना पसंद करोगे? वो चौंक कर उसे यूं देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसने कहा, तुम्हें ये बात मजाका खेज लगेगी, लेकिन मैं संजीदगी से कह रहा हूं, क्या तुम मुझे जहर लाकर दे सकते हो? वो गुमसुम खड़ा इसी तरह मुंह तकता रहा। मुराद कह रहा था, मैं मजबूर हूं, यहां से जा नहीं सकता। अगर जाऊंगा तो किसी केमिस्ट से जहर खरीदने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम कोई चक्कर चला कर मेरे लिए ये हासिल कर लो। सफा नंबर 220। शीदे ने बड़े दुख से पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हैं? डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की है, वो तो कहता है आप अच्छे हो जाएंगे, फिर आप मायूस क्यों हैं? तुम कोई सवाल ना करो, मेरी बात का जवाब दो, क्या मेरा ये काम कर सकते हो? वो पीछे हट गया, हिचकिचाने लगा, बेचारा तजब्जुब में पड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था उसका मालिक उससे मजाक कर रहा है, उसे आजमा रहा है, या वाकई संजीदगी से जहर तलब कर रहा है। मुराद ने कहा, तुम यहां से जाओ, मेरा काम कर सकोगे या नहीं? इनकार करोगे तो तुम्हें मुलाजमत से हटा दूंगा, फिर तुम्हारे लिए एक माकूल रोजगार नहीं रहेगा। जो काम मैं तुमसे लेना चाहता हूँ वो किसी दूसरे मुलाजिम से भी ले सकता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। शीदे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो फिर इस्तराब में मुब्तला हो गया। दरवाजे की तरफ देख कर सोचने लगा, मैं शीदे को राजदार बनाकर अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं यूनिवर्सल आंटी सरला देवी से ये काम ले सकता हूँ। बीमारी और नाकामी ने मुझे सोचने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर कोई बात नहीं, शीदे अपना ही है। पाकिस्तान जाने की धुन में मेरा काम राजदारी से कर गुजरेगा। उसने सूप का प्याला हाथों में उठा लिया, फिर उसे मुंह से लगाकर पीने लगा। वो तंदुरुस्त रहकर भी प्याला भर सूप नहीं पी सकता था, लेकिन तवानाई हासिल करने के लिए उसने प्याला खाली कर दिया। उसे ट्रे पर रख कर मुंह पोंछते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए थे, उसके अंदर बेचैनी थी। उसने शीदे को आवाज दी, वो तेजी से चलता हुआ हाजिर हो गया, सर झुका कर यूं खड़ा हो गया जैसे हुक्म का मुंतजिर हो। उसे घूर कर देखने लगा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूं तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो या आजमाइश समझ रहे हो, इसलिए मेरे काम नहीं आओगे। सफा नंबर 221। उसने बड़े अदब से कहा, मैं आपके काम आऊंगा। मुराद ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई
वो बड़े दुख से सर उठाकर अपने मालिक को देखते। मैं 7 बरस से एक ऐसे मुसलसल अजाब में मुब्तला हूँ जिसके नतीजे में ना जीता हूँ ना मरता हूँ। कभी सोचता हूँ मेरी बीवी बेवफा होती, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बच्ची को लेकर घर से भाग जाती, किसी दूसरे का घर बसा लेती तो मुझे गुस्सा तो आता लेकिन ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेता कि औरत की ज़ात बेवफा होती है। लेकिन उसकी वफादारी मुझे मार रही है, मुझे सता रही है, मुझे हर लम्हे पूछती है कि मैं उसे जुदाई के अजाब में क्यों मुब्तला कर रहा हूँ। वो कब तक मेरा इंतज़ार करती रहेगी? क्या मैं यहाँ से जा नहीं सकता? क्या मैं बैंक में डाका नहीं डाल सकता? किसी वीरान गली से गुजरने वाला वाले किसी वीरान गली से गुजरने वाले किसी राहगीर का गला नहीं दबोच सकता, उसकी जेब खाली नहीं कर सकता। वो कहते कहते हांफने लगा, जैसे उसने बैंक में डाका डाला हो, किसी की गर्दन दबोच कर उसकी जेब खाली की हो, लेकिन अचानक ही आंख खुल गई हो और पता चला हो कि सब ख्वाब था, ख्याल था। इस पर वो अमल नहीं कर सकता था क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक शरीफ आदमी था। वो हांफते हुए कहने लगा, मैं अखबारात में पढ़ता हूँ, आए दिन सुनता रहता हूँ, आजकल सोने और हीरे जवाहरात से ज्यादा मनशियात का धंधा मुनाफा बख्श है। मैं सोचता हूँ कोई ऐसा मनशियात फरोश स्मगलर मुझसे टकरा जाए, मुझसे इतना काम लेके मेरी बीवी के पास आने जाने की रकम जमा हो जाए। मैं इंसान से शैतान बन जाऊंगा, लेकिन 7 बरस की ये मुसलसल जुदाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जीते जी नहीं मर सकता। साफ अल्फाज में कहो, क्या मेरे काम आने का फैसला कर चुके हो? जी हाँ, अगर आपके काम नहीं आऊंगा तो मुलाजमत से भी जाऊंगा। आप मुझे आजमा रहे हैं तो इंसान समझकर आजमाएं। इंसान इजाजत चाहता है अपने खून के रिश्ते से मिलने के लिए, अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए, एक बेटे की आरजू के लिए इजाजत चाहता है। अगर किसी मुल्क का कानून इजाजत नहीं देता और जहर की एक पुड़िया इजाजत देती है तो ऐसी हालत में इंसान क्या करेगा? सफा नंबर 222। कितने लोग हैं जो शराफत का दामन थामे रहेंगे? कितने लोग हैं जो कानून का पास करेंगे? आज मुझ पर जो कुछ बीत रही है उसके पेश नज़र यकीन से कहता हूँ कि इतना इंसान कमज़ोर नहीं होता जितना कानून कमज़ोर होता है, और यही कमज़ोर कानून इंसान को कमज़ोर बना देता है। बातें कम करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आज शाम तक मेरी मतलूबा चीज़ ले आओ, मैं तुम्हें 3,000 पाउंड उसी वक्त अदा करूंगा। ये तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपए होंगे। इतनी रकम तुम आने जाने के अलावा अपनी बीवी और बच्ची और वालदेन के लिए अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकोगे। वो सर झुकाकर जाने लगा। मुराद ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर रابطہ कायम होते ही कहा, मैं मिसेज मुना कामरान से बात करना चाहता हूँ। सॉरी, वो सो रही हैं, बेहतर है आप 4 बजे दोबारा फ़ोन कर लें। रابطہ ख़त्म हो गया। वो हाथ में रिसीवर थामे सोचने लगा। मुना को वादे के मुताबिक 4 बजे से 5 बजे तक उससे मिलना चाहिए क्योंकि वो जा रही है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करेगी। उसने घड़ी देखी, 2:55 हुए थे। वो रिसीवर रख कर उठ गया, कमरे में टहलने लगा। उसका ख्याल था सूप पीने के बाद अच्छी खासी तवानाई पैदा हो गई होगी, लेकिन वो जल्द ही थक कर बिस्तर पर आ बैठा। थोड़ी देर तक हांफता रहा। अब वो कामरान के मुतालिक सोच रहा था, क्या वो मुना के जाने पर खुश होगा? यकीनन नहीं।
वो कभी खुश नहीं हो सकता, अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी परेशान होगा। उसने रिसीवर उठाकर यज्ञ बाद दीकर कई नंबर डायल किए। हर जगह रابطہ कायम होने पर कामरान के मुतालिक पूछता रहा। फिर एक नंबर पर कामरान की आवाज सुनाई दी। हेलो मुराद, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी रहा हूँ। सुना था आखिरी वक्त इंसान रोशन जमीर हो जाता है। अब मुझे अपनी मौत नजर आ रही है। अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे दोस्त को दुश्मन बना लिया है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी शरीक हयात को भी बेइंतहा परेशान किया है। मैं किस मुंह से माफी मांगू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुराद, जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ। तुम्हारे लहजे की सच्चाई तुम्हारा पछतावा बता रहा है कि तुम सदके दिल से अपने किए पर नादिम हो। मैं मुना से कहूंगा कि वो साफ दिली से तुम्हें माफ कर दे। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? अभी आ रहा हूं। वो रिसीवर रखकर दांत पीसने लगा। जरा दूर सामने ही आईने में अक्स नजर आ रहा था। वो अपने आप को देखते हुए कहने लगा, वो आ रहा है, कमीना बदजात, मेरा दोस्त होने का दावा करता है। क्या यही दोस्ती है? मैंने उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी, वो एक औरत की कुर्बानी ना दे सका। वो उठ खड़ा हुआ, आईने की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो क्या समझता है? क्या मैं एक बार समीना से शिकस्त खाने के बाद दूसरी बार फिर किसी औरत से शिकस्त खाऊंगा? हरगिज नहीं। वो यहां से कभी नहीं जा सकेगी। वो मेरे लिए जहर बन गई है, मैं इसके लिए मीठा जहर बन जाऊंगा। सफा नंबर 223। उसने फातिहाना अंदाज में कहका लगाने की कोशिश की, जरा हंसते हंसते पीछे गया, फिर यज्ञबारगी चकरा कर गिर पड़ा। कमजोरी गालिब आ गई थी। शीदे अपने मालिक की हंसी सुनकर दरवाजे के पास आया था ताकि हंसने की वजह मालूम हो सके। जब उसे फर्श पर पड़ा देखा तो दौड़ कर आया, उसे सहारा देकर उठाने लगा। उसका सर अब भी चकरा रहा था, बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। वो बैठ गया, फिर थके हुए अंदाज में बोला, मेरा दोस्त कामरान आ रहा है, खबरदार किसी के सामने जहर का जिक्र ना करना। वो सहारा लेकर उठ गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। दोनों हाथों से सर को थाम कर बोला, कामरान आए तो दरवाजा खोल देना, उसके बाद छुट्टी लेकर चले जाना। शाम को मेरा काम करने के बाद अपनी मतलूबा रकम लेकर चले जाना। कल ही किसी फ्लाइट से जाने की कोशिश करो, किसी वजह से ना जा सको तो परसों रात तक मेरा, कामरान और उसकी बीवी मोना का हरगिज सामना ना करना। सफा नंबर 224। शीदे ने उसके हुक्म की तामील की। जब बाहर से कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो उसने दरवाजा खोला। मुरादान के मुताबिक कामरान तन्हा नहीं था, मोना भी साथ आई थी। उसे देखते ही मुराद उठकर बैठ गया। कामरान ने कहा, आराम से लेटे रहो, तुमने अपनी गलती का एतराफ किया है, इसलिए मोना को साथ ले आया हूँ। अब हमारे दरमियान कोई रंजिश, कोई कशीदगी नहीं रहेगी। मुराद ने सर झुकाकर नदामत से कहा, मोना के आने पर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन उसे ना लाते तो बेहतर होता। मेरा सर नदामत से झुक रहा है, मैं क्या करूं? किस जबान से अपनी ज्यादतियों की मुआफी मांगू? मोना ने बड़े गौर से उसे देखा, फिर बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो एक गहरी सांस लेकर बोला,
मैं कोशिश करूंगा तो भूल जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं भूल सकोगी। तुम मेरे दिल की बात कैसे जानते हो? मैंने कहा ना, मैं भूल गई हूं। अगर ऐसा है तो वापस ना जाओ। वो कुछ कहना चाहती थी। कामरान उसके करीबी बिस्तर के सिरे पर बैठते हुए बोला, मैं भी यही समझता हूँ। अब इसे वापस नहीं जाना चाहिए। तुम फिर हमारे दोस्त बन गए हो, हमारे साथ ताउन करते रहोगे, तो उसे मेरे पास ही रहना चाहिए। कामी, तुमसे कह चुकी हूँ मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो तो अपने नाम से, अपने हवाले से बुलाओ। एक तरह से मुराद साहब ने हमसे दुश्मनी नहीं की है, दोस्ती की है। हमने अच्छा सबक सिखाया है और अच्छा सबक पढ़ाया है, कानून से खेलने का अंजाम बताया है, कानून से खेलने का अंजाम बताया है, लिहाजा हमें सबक हासिल करना चाहिए। एमिग्रेशन के कानून में लचक पैदा हो या ना हो, मैं वापस जाऊंगी और इसके लिए जद्दोजहद करती रहूंगी। मुराद उसे देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कमबख्त अपनी जिद से बाज नहीं आएगी, ना यहां रहेगी, ना मैं उसे काबू कर सकूंगा। सफा नंबर 225। उसने ताइद में सर हिलाते हुए कहा, मुना दुरुस्त कह रही है, हमें कानून से खेलना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ जायज तरीके से बुलाने के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए। मुना खुश होकर उसे देखने लगी। कामरान ने हैरानी से पूछा, क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम मेरे दोस्त हो, मेरी हिमायत करो, शायद हम मुना को रोक लें। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, हरगिज नहीं, मुना को यहां से जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्याला सूप पिया है, अब परसों तक खूब खाऊंगा पीऊंगा और इस काबिल हो जाऊंगा कि मुना को अलविदा कहने एयरपोर्ट तक जा सकूं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं मुना को एक शानदार अलविदाई पार्टी दूंगा। कामरान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि पहले तनहा मुझसे दुश्मनी कर रहे थे, अब मुना के साथ मिलकर कर रहे हो। इसकी बात पर मुना और मुराद हंसने लगे। कामरान ने कहा, वैसे मैं पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मुना को समझाना मुश्किल है। जब उसने जाने की जिद कर ली है तो ये जरूर जाएगी और मुझे अलविदाई पार्टी देनी पड़ेगी। सफा नंबर 225। मुराद ने कहा, हरगिज नहीं, तुम दोनों खाना मेरे साथ खाओगे और यहां से एयरपोर्ट साथ चलोगे। इस वक्त से मेरी गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी, परसों तक तुम मुना को लंदन की सैर कराते रहो। कामरान ने कहा, सैर सपाटे में तुम भी साथ रहोगे? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, कभी नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दरमियान मेरा या किसी और का साया भी पड़े। तुम दोनों को परसों तक बिल्कुल तन्हा रहना चाहिए। मुना की रवानगी से पहले तुम दोनों मेरे पास चले आना, हम कहीं रात का खाना खाएंगे, फिर मुना को एयरपोर्ट ले जाएंगे। तुम बीमार हो, कहीं और जाकर खाने की क्या जरूरत है, यही खाने का इंतजाम कर सकते हो। सफा नंबर 226। मुराद ने मुना को देखा, फिर कहा, ये पहली बार मेरे घर आई तो मैंने धोखा देना चाहा। उसकी कॉफी में खूब ख्वाबावर दवा डालने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि जहां धोखा दे चुका हूं वहां फिर मुना को धोखा खाने का शुबा हो। मुना ने कहा, ऐसा ना कहो, अब मैं तुम पर शुबा नहीं करूंगी। कामी ठीक कहते हैं, तुम बीमार हो,
हमें डिनर के लिए दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। तुम यहीं सादगी से कुछ खाने का इंतजाम करा लो। इंतजाम दो तरह से हो सकते हैं, या तो किसी होटल से खाना मंगवा लिया जाए या किसी बावर्ची की खिदमात हासिल की जाए। कामरान, अगर हम जगद आंटी सरला देवी की खिदमात हासिल करें तो कैसा रहेगा? हाँ, सरला देवी बेहतरीन डिशें तैयार करती हैं। मैं एक बार उनके हाथों का पकवान खा चुका हूँ, वही मुनासिब रहेंगी। मोना ने कहा, मिस्टर मुराद, कल सुबह मैं एक ऐसा कदम उठा रही हूँ जिसके बाद हम तीनों को कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं नहीं समझा, कामरान ने कहा। मैं समझता हूँ। मोना अखबारात के जरिए ये बयान शाया करा रही है कि ये इमिग्रेशन कानून के खिलाफ आई है। शोहर कोई है, हवाला किसी और का है। मुराद ने कहा, ओह गॉड, इस तरह मुझे जेल हो जाएगी, मोना को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। आखिर इस इंकशाफ की जरूरत क्या है? मैं इसके जवाब में कुछ कह सकती हूँ? सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि हमें इमिग्रेशन के मौजूदा कानून से शिकायत है। हम इन कानून में तब्दीली लाना चाहते हैं। ये कोशिश अच्छी है, लेकिन मौजूदा कानून से खेलते रहने की कोशिश नहायत ही गलत है। लिहाजा जो बात गलत है उसका एतराफ करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि शरीफ लोग मजबूर होकर कानून से खेलते हैं, फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करता है और वो ज़्यादा अरसे ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ा नंबर 227। कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, ख्वाह वो कानून हमारे ही खिलाफ क्यों ना हो, जब तक वो नाफिज है उसका एहतराम करना, उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। उसकी तब्दील लाने के लिए दूसरे मुनासिब रास्ते इख्तियार किए जाने चाहिए। मुराद ये सुनते ही हंसने लगा, फिर हंसते हंसते ही बिस्तर पर लेट गया। वो दोनों से ताज्जुब से देख रहे थे। उसने कहा, मुझे हैरानी से ना देखो, मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि मेरी तरफ से होने वाली अलविदाई पार्टी गई, अब हम जेल का खाना खाएंगे। हाँ, अगर जिंदगी रही, मुकदमा जीत गए और कानून ने हमें माफ कर दिया और हम वापस आए तो मेरी दावत को ना भूलना। अलविदाई पार्टी सिर्फ मेरी तरफ से जरूर रहेगी और तुम मेरे साथ खाना खाने के बाद ही यहाँ से पाकिस्तान वापस जाओगी। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन मुझे या तुम्हें जेल में डालेगा? अगर खताकार 1, 2 या 10 हों या 100 हों तब उन्हें जेलों में ठूसा जा सकता है, लेकिन 1000 हों तो उन्हें कितनी जेलों में ठूसा जाएगा? कितनों को सजाएं दी जाएंगी? मुराद ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या हमारे अलावा भी कुछ लोग हैं? कुछ नहीं, हजारों में। इंग्लैंड में तकरीबन 50-60 हजार एशियाई बाशिंदे हैं जो इमिग्रेशन कानून के बायस सख्त परेशानी में मुब्तला रहते हैं। उनमें से बाज गैर कानूनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कानून का एहतराम करते हैं और वही कानून उन्हें तरह तरह के मसाइब में मुब्तला रखता है। कल लंदन से शाया होने वाले बेशतर अखबारात में इस मौजू के मुतालिक ऐसे धमाका खेज इनकशाफात होंगे जो दुनिया वालों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। मुराद उसकी बात सुन रहा था और सोचती हुई नजरों से उसे देख रहा था। क्या ये हवाई किले बना रही है? ख्याली महल बनाने के दौरान दलाइल मुस्तहकम हो तो एक दिन सचमुच एक मुस्तहकम महल तामीर हो जाता है। वो दुरुस्त कह रही थी। अगर किसी कानून की मुखालफत में 2, 4 या 10 या 100 हों तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बागी कहा जा सकता है, लेकिन
इसी कानून की मुखालफत में अगर लोग हजारों की तादाद में उठ खड़े हों तो इस तरह एक मुनज़्ज़म तहरीक अमल में आती है और कानून से होने वाली वो मुखालफत दुनिया वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। सफा नंबर 228। मुराद ने अपने तकिए के नीचे से कार की चाबी निकालकर कामरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास अब ना आना। पार्ट 20 यहाँ पर खत्म पजीर होता है। किताब इजाजत का बाकिया हिस्सा पार्ट 21 पर समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।